डियर फ्रेंड, वेलकम टू एड्यूज। मैं साहिल सिंह, रीजनिंग फैकल्टी। आज हम लोग डायरेक्शन के एक टॉपिक है मिसलेनियस। डायरेक्शन के हम लोगों ने 7 टाइप को पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया, सभी कंसेप्ट को हम लोगों ने जाना। उसके बाद सातों कंसेप्ट को जानने के बाद, सातों टाइप को पढ़ने के बाद, कुछ मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मतलब कि एक दो टाइप को मर्ज करके एक साथ क्वेश्चन बनाया जाता है। इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। हमने पहला वीडियो से ही आपको कहा है कि डिफिकल्ट सेक्शन पर आएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से, बहुत ट्रिकली उसको सॉल्व किया जाएगा। और वो आज उस समय आ गया है जिस डिफिकल्ट क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और वो भी बहुत ईजिली। तो मिसलेनियस में हम लोग सबसे डायरेक्शन का यह सबसे लास्ट आपका टॉपिक है, और इस टॉपिक के बाद हमारा डायरेक्शन एंड हो जाएगा। फिर आप कमेंट करेंगे कैसा है डायरेक्शन मेरा पढ़ाया हुआ, इस तरह से उसमें अगर कुछ सुधारने की ज़रूरत हो तो आप कमेंट करेंगे, उसको सुधार किया जाएगा, देखा जाएगा। आज हम लोग इस मिसलेनियस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ईस्ट में 12 मीटर चला। ईस्ट में 12 मीटर चला, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत बार किए हैं, लेकिन इसमें आगे के जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ आपको नया दिखेगा। उस नया चीज को आज हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक में। इसमें है कि एक व्यक्ति ईस्ट में 12 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ने के बाद, यह एक नया चीज यहां पर मिल रहा है, 60 डिग्री मुड़ने के बाद 10 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट में मुड़कर चलने लगा, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में जा रहा है या स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन किया जा रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, लास्ट पोजिशन उसकी क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ईस्ट में 12 मीटर चला, बहुत आसानी से इस चीज को आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से 12 मीटर चलता है, आगे हम बढ़ा देते हैं ईस्ट में, और ईस्ट किधर होता है आपको पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि जब भी हम अपने किसी भी पॉइंट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो आपका ईस्ट कहलाता है। मान लेते हैं कि यह आपका 12 मीटर है, 12 मीटर चला ईस्ट में, फिर यहाँ से वह लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ने के बाद 10 मीटर चला, लेफ्ट में 10 मीटर नहीं चला, 60 डिग्री मुड़ने के बाद तब वह 10 मीटर चलता है। तो मेरे बंधु, सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट में मुड़ना है। अगर सिर्फ लेफ्ट लिखा होता तो आप 90 डिग्री एंगल पर मुड़ते ऐसे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट में तो मुड़ रहा है, लेकिन मात्र कितना 60 डिग्री एंगल पर मुड़ रहा है। तो सोचिए, अगर हम यहाँ से ये आपको यहाँ देखते हैं तो यह 90 डिग्री है, तो इस तरह नहीं मुड़ना है, मतलब यानी कि इस लाइन पर हमको मुड़ना है, और यहाँ पर आगे बढ़कर यह कितना मीटर चला, तो मान लेते हैं कि यह 10 मीटर चला, 10 मीटर ये आपका 90 डिग्री एंगल होगा, जो कि ये नहीं चलाना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह 60 डिग्री आगे चला। तो इस तरह से आप सोचिए, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से 12 मीटर चला, 12 मीटर चलने के बाद फिर वह लेफ्ट में 60 डिग्री मुड़ता है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं आपके सामने, अगर कहा जाता है कि हमको लेफ्ट में मुड़ना है, सिर्फ लेफ्ट में, तो सीधे हम लेफ्ट में 90 डिग्री एंगल पर मुड़ेंगे, जो पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट में तो मुड़ना है, लेकिन लेफ्ट में कितना मुड़ना है, 90 डिग्री नहीं, 60 डिग्री मुड़ना है। तो यह आपका 60 डिग्री मान लेंगे, और इस तरह से यह आपका 60 डिग्री, यहाँ पर 10 मीटर आगे चला। फिर उसके बाद कह रहा है कि लेफ्ट में मुड़कर चलने लगा, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, फिर अब यहाँ पर लेफ्ट में मुड़ रहा है, अब यहाँ पर डिग्री नहीं लिखा हुआ है, जब डिग्री नहीं लिखा रहता है तो लेफ्ट में मुड़ने का मतलब होता है कि वह 90 डिग्री मुड़ेगा। अब सोचिए, एक व्यक्ति का फेस यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर इसको 90 डिग्री लेफ्ट में मुड़ना है, तो अगर हम यहाँ आगे इसको बढ़ा देते हैं तो, और एक लाइन हम यहाँ पर सीधे लंब इस पर परपेंडिकुलर डालते हुए आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो यही हमारा सही पोजीशन होगा, यह आपका 90 डिग्री एंगल पर
90 डिग्री एंगल पर मुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिग्री नहीं दिया हुआ है, तो लेफ्ट राइट कोई भी व्यक्ति जब मुड़ता है तो 90 डिग्री एंगल पर मुड़ता है। अब इस पोजीशन पर आपको 90 डिग्री एंगल पर मुड़ना है, तो मतलब कि यही हमारा 90 डिग्री एंगल होगा, जो इस प्रकार इस तरह से चल रहा है और यह आगे मुड़कर यानी कि लेफ्ट में मुड़कर आगे बढ़ने लगा, चलने लगा, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है इस क्वेश्चन को देखना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो सोचिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं कि किस दिशा में जा रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में है, ये जब नहीं रहता है मतलब वो किस दिशा में जा रहा है, तो लास्ट पॉइंट में जहां पर वो मुड़ा हुआ है वहीं पर हम प्लस करते हैं और ये मेन डायरेक्शन, इस प्लस पर हम मेन डायरेक्शन को शो करते हैं, ऊपर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जा रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। हमारे क्वेश्चन का आंसर नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हुआ। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि जैसे कोई एक व्यक्ति 12 मीटर चला ईस्ट में, फिर 60 डिग्री लेफ्ट में मुड़कर 10 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट मुड़कर चलने लगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर पूछा जाए कि वह किस दिशा में है, तो सोचिए अगर यहाँ से व्यक्ति आगे मुड़कर चल रहा है और ये नहीं लिखा हुआ है कि कितना मीटर आगे चल रहा है, मतलब यह इन्फिनिटी अनंत तक जाते रहेगा, तो सोचिए अगर यहाँ पर है तो स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट कहलाएगा, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ते हुए इस तरह से ठीक इसके सामने होता है तो क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा। अगर व्यक्ति फिर आगे बढ़ते हुए फिर इन्फिनिटिव आगे बढ़ता है तो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी पोजीशन को फाइंड नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का जो डिमांड था, अब वह मुड़कर जो आगे बढ़ने लगा, किस दिशा में जा रहा है, चाहे यह कितना भी दूरी क्यों ना चला जाए, अनंत तक इन्फिनिटिव क्यों ना चला जाए, यह हमेशा यह नॉर्थ वेस्ट में ही जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से इसको फाइंड नहीं किया जा सकता, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी पोजीशन यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक इसके सामने ऊपर नॉर्थ में भी आ रहा है, फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में भी जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं फाइंड किया जा सकता। हमारे क्वेश्चन का डिमांड सिर्फ यही था कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, यह हमारा आंसर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी से साउथ वेस्ट में है, ए बी से साउथ वेस्ट में है। अब जानते हैं मेन डायरेक्शन आपको बताया जा चुका है, अगर हम किसी भी पॉइंट से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो नॉर्थ होगा, लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वेस्ट होगा, नीचे की तरफ बढ़ेंगे यानी कि पीछे की तरफ यह साउथ होगा, जब हम राइट की तरफ बढ़ेंगे तो यह ईस्ट होगा। इसको हमने बार बार बताया, बहुत बार बताया, हर टाइप में बताया है, इसको आपको जानना है, ये आपका बेसिक चीज है। अब इस बेसिक चीज पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी से साउथ वेस्ट में है, बी का प्लेस यहाँ पर मान लेते हैं, दे देते हैं, यहाँ यह बी है, सोचिए यह बी हो गया। अब बी से कह रहा है कि साउथ वेस्ट में है, कौन है, ए, ए कहाँ है, बी से साउथ वेस्ट में है। अब बी से हमको साउथ वेस्ट जाना है तो बी से साउथ वेस्ट, सोचिए मान लीजिए कि यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी होता तो साउथ वेस्ट कहाँ होगा, नीचे साउथ जा रहा है, इधर वेस्ट जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच में ऐसे, तो इस तरह से हम यहाँ पर इधर तो वेस्ट जाएगा, नीचे साउथ जाएगा, दोनों के बीच में हम यहाँ पर खींचेंगे और कितना मीटर जा रहा है, कितना किलोमीटर जा रहा है, ये सब कुछ भी मेंशन नहीं है, बस कुछ दूरी चलकर हम यहाँ रुक जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ए को दे देंगे, यानी कि यह ए हुआ और यह बी से साउथ वेस्ट में हो गया, ये कहाँ है, बी से साउथ वेस्ट में है। फिर सी ए से सीधे ईस्ट में एवं बी से साउथ ईस्ट में है। अब यहाँ पर है कि सी की पोजीशन भी यहाँ पर शो करना है और सी की पोजीशन के लिए दो यहाँ पर चीज आ रहा है, दो जगहों से, दो स्थानों से इसकी पोजीशन को फिक्स करना है, मतलब ए से भी फिक्स करना है और बी से भी फिक्स करना है। तो ए से किधर इसको रखना है, सी से, तो सीधे ईस्ट में, तो ए का सीधे ईस्ट, राइट में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जाएगा सीधे ईस्ट, ऐसे जा रहे हैं। और बी से कहाँ, तो बी से साउथ ईस्ट में, यानी कि ए के सीधे ईस्ट में
और बी से साउथ ईस्ट में, बी से साउथ ईस्ट में, यानी कि यहां पर दोनों, यानी कि ए का ईस्ट वाला और बी के साउथ ईस्ट वाला जहां पर क्रॉस किया, यही इस पोजीशन पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी यहां पर आ गया, सी का पोजीशन दो स्थान से था, ए से साउथ, ए से ईस्ट में और बी से साउथ ईस्ट में, यहां पर सी आ गया। दोनों का क्रॉस पॉइंट जहां पर हुआ वहां पर सी को दिया। फिर उसके बाद कह रहा है कि डी सी से सीधे नॉर्थ में है। डी का पोजीशन एक ही स्थान से सी से बता रहा है कि सीधे नॉर्थ में है। तो सोचिए बंधु, डी का पोजीशन सी से नॉर्थ में, नॉर्थ किधर होगा सी से, तो सी से नॉर्थ सीधे ऊपर की तरफ होगा। किसी भी पॉइंट से सीधे ऊपर जाते हैं तो नॉर्थ होता है। तो यहां पर डी को कहां दिया जाए, यहां पर अगर डी को देते हैं तब भी नॉर्थ होगा सी से, अगर डी को बढ़ाकर यहां देते हैं तब भी यह क्या होगा, सी से नॉर्थ में ही होगा। आप सोचिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि डी ए से किस दिशा में है, डी ए से किस दिशा में है, ए है यहां और डी है यहां, ए से हमको फाइंड करना है डी की पोजीशन। तो ए के पास से, ए के साथ से लगा हुआ है, तो यहां सोचिए यह ईस्ट लाइन है, यह नॉर्थ लाइन है। अगर यहां होता है तब भी हमको नॉर्थ ईस्ट में जाना होगा, अगर यहां होता है तब भी हमको नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा। यानी कि सी से जब यह नॉर्थ में है तो किसी भी स्थान पर चला जाए डी, वह हमेशा ए से नॉर्थ ईस्ट में ही होगा। यानी कि इसको फाइंड किया जा सकता है और इसका आंसर क्या आया, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि डी ए से सीधे नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन का डिमांड है कि डी बी से किस दिशा में है। ए से तो पता चल गया, अब बी से आपको पता करना है। अगर डी यहां होता तो बी से कहां होता, ये साउथ ईस्ट में। अगर डी यहां होता तो बी से किधर होता, ईस्ट में होता। अगर डी यहां है तो बी से कहां चला गया, नॉर्थ वेस्ट में चला गया। डी कहां होगा, यानी कि सी के सीधे नॉर्थ में, तो सी के सीधा नॉर्थ डी यहां पर भी सही है। डी को यहां पर भी देते हैं तब भी सी के नॉर्थ में है, डी को यहां पर देते हैं तब भी सी के नॉर्थ में है। इस तरह से सी के तो नॉर्थ में, हर पोजीशन सी के नॉर्थ में जा रहा है, लेकिन बी से इसकी पोजीशन सब एक समान नहीं आ रहा है, सब डिफरेंट आ रहा है। मतलब बी से इसकी पोजीशन को फाइंड ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी माप तौल तो है नहीं कि इसको हम आगे बढ़ाकर इसके सामने इतना मीटर यहां पर लिख दे। कुछ भी मीटर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी किलोमीटर नहीं दिया है, दूरी कुछ भी नहीं यहां पर मेंशन है। मतलब यह स्वतंत्र है डी, या तो यहां रहे नहीं तो यहां रहे, नहीं तो यहां रहे, जहां भी रहेगा यह सी के नॉर्थ में ही रहेगा। तो फिर बी से हम इसकी डायरेक्शन को, यानी कि इसकी डायरेक्शन फाइंड नहीं किया जा सकता। कहां से, बी से नहीं किया जा सकता, लेकिन ए से फाइंड किया जा चुका है, नॉर्थ ईस्ट में है, बी से फाइंड नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सीएनडी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि तय नहीं किया जा सकता। उसका कारण हमने बताया। तो इस तरह से हम लोगों ने दो क्वेश्चन किया। फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसे, हाँ, तो अभी आप लोगों ने देखा मिसलेनियस में दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन को हम लोग फिर अभी डिस्कस करेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्थ, यदि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, सोचिए नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके पहले एक कंडीशन लगा हुआ है, यदि एक शर्त लगा हुआ है, यदि ऐसा कहा जाए तो, मतलब यदि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए फिर साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, डायरेक्शन को चेंज किया जा रहा है, सभी डायरेक्शन जो मेन डायरेक्शन है उनको चेंज किया जा रहा है, ऐसे कहा जाए या वैसे कहा जाए, जैसे भी यहाँ पर कंडीशन दिया जा रहा है उस हिसाब से इसको कहना है, और परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो साउथ को क्या कहा जाएगा, साउथ को क्या कहा जाएगा। बंधु ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट हमारा रियल डायरेक्शन को वेस्ट में कन्वर्ट कर देना है, फिर साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट में, यानी कि फिर साउथ ईस्ट क्या है हमारा रियल डायरेक्शन, इसको वेस्ट में यानी कि नॉर्थ में कन्वर्ट कर देना है, फिर उसके बाद परिवर्तन का इसी प्रकार क्रम जारी रहेगा, तो बाकी दो डायरेक्शन को भी हम लोग उसी के अकॉर्डिंग, उसी परिवर्तन के आधार पर हम लोग चेंज करेंगे, उसको एक्सचेंज करेंगे, फिर उसके बाद रियल डायरेक्शन हमारा साउथ जो है उसको क्या कहा जाएगा। तो इसको सॉल्व बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न बराबर आते रहते हैं, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में यह रहता ही है। और इस क्वेश्चन को, जैसे आप जानते हैं कि मेन आपका डायरेक्शन चार है, इस मेन डायरेक्शन को पहले हम यहां शो कर देते हैं। जैसे
हम लोगों ने इसी फिगर को मेन डायरेक्शन के रूप में देखा है। यहाँ ये आपके चार मेन डायरेक्शन हो गए। आपको अब यहाँ ये लिखना नहीं है, यहाँ नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आप टाइप वन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको ये पता चल गया है। यहाँ पर अगर आप ये लिख देंगे, मेन डायरेक्शन का नाम यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद चेंजिंग डायरेक्शन को लिखेंगे, तो फिर ये खिचड़ी पक जाएगा, फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। इससे आसानी है कि आप इसको मान लीजिए, यानी कि आप इसको जो आप मानते हुए आ रहे हैं, बस इसको माने रखिए कि यहाँ पर वेस्ट होता है, यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, यहाँ पर साउथ होता है, और इस प्रकार इसको आप पहले से भी जानते हैं और इस तरह से अभी भी इसको मान कर ही रखना है। जो चेंज कर रहा है इसमें डायरेक्शन को कंडीशन में बांध कर, तो उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पर वो चेंजिंग डायरेक्शन को यहाँ शो करना है। क्या कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए। देखिए बंधु, चार मेन डायरेक्शन से काम नहीं चलेगा, इसके सब डायरेक्शन चार जो है कॉर्नर वाले, ये भी यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी कि ये आपका सब डायरेक्शन चार हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो कंडीशन में चेंज किया जा रहा है उसी को सिर्फ शो करेंगे, बाकी आपका मेन डायरेक्शन आपको पता है, आप इमेजिंग कीजिए। फिर कह रहा है, क्वेश्चन में आते हैं, यदि नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए। बंधु, नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, आपको पता है ये आपकी मेन डायरेक्शन जो है, इसमें नॉर्थ ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये हमारा नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, मिड पॉइंट में हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, तो इसी को क्या कहा जाएगा, वेस्ट कहा जाएगा। इसको वेस्ट मानना है बंधु, वेस्ट हो गया ये, इसको वेस्ट कहना है, वेस्ट मान लेना है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट पर नहीं रहा, वह वेस्ट में हो गया कन्वर्ट, यदि कंडीशन लगा हुआ है। फिर कह रहा है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट कहाँ है, यहाँ पर है, आप जानते हैं साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और इनके बीच में ये साउथ ईस्ट, और यही हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा। और परिवर्तन का क्रम आगे कह रहा है कि और परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे। किस प्रकार जारी रहे बंधु, आप परिवर्तन का क्रम देख लिए किस प्रकार जारी है, आइए सोचते हैं कैसे जारी कर रहा है। मतलब रियल में देखा जाए तो वेस्ट कहाँ होता है, यहाँ होता है, इस पोजीशन पर वेस्ट होता है, यहाँ से इस पोजीशन से वेस्ट को उठाकर, सीधे उठाकर फेंक दिया यहाँ, मतलब कि यह तीन खंड आगे बढ़ गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, तीन 45 मिलकर 135 डिग्री हो जाएगा, यानी कि यह क्लॉक वाइज में 135 डिग्री आगे बढ़ गया, या आप ये कहेंगे कि यह क्लॉक वाइज में तीन खंड आगे बढ़ गया। क्या बढ़ गया, वेस्ट जो डायरेक्शन है वह आपके अपने मेन पोजीशन से तीन खंड आगे बढ़ गया। फिर उसी प्रकार नॉर्थ डायरेक्शन, जो मेन नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यह भी क्या किया, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, यानी कि 135 डिग्री कहिए या तीन खंड कहिए, ये भी क्लॉक वाइज में आगे बढ़ गया, यहां पर आ गया। तो फिर ईस्ट भी क्या होगा, तीन खंड आगे बढ़ेगा तो यहां आ जाएगा, या आप जानते हैं वेस्ट जब यहां आएगा तो ईस्ट उसके अपोजिट यहीं पर आएगा। फिर साउथ देखिए, साउथ भी तीन खंड आगे बढ़ेगा क्लॉक वाइज में, एक दो तीन, यानी कि यहां जाएगा, या नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। जैसे ही दो डायरेक्शन आपको पता चल गया, तो फिर अब ये आपको माथा पीछी नहीं करना है कि फिर ईस्ट का पोजीशन कहाँ जाएगा, साउथ का पोजीशन कहाँ जाएगा, बस वेस्ट का अपोजिट यहाँ ईस्ट हो जाएगा और नॉर्थ का अपोजिट यहाँ साउथ हो जाएगा। हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। डायरेक्शन को चेंज करने के बाद अब आप आइए, यानी कि चारों मेन डायरेक्शन यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आएंगे, क्या क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है तो यानी कि परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे। किस प्रकार जारी रहा, ये तो हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। क्वेश्चन के डिमांड को पढ़ने के पहले परिवर्तन का क्रम, यानी कि यह वेस्ट आपका तीन खंड आगे बढ़ के यहाँ आ गया, नॉर्थ भी क्या यहाँ से तीन खंड बढ़ के आगे आ गया यहाँ पर क्लॉकवाइज में, फिर ईस्ट भी क्या तीन खंड, यानी कि परिवर्तन का क्रम यही जारी रहे। मतलब कि प्रत्येक डायरेक्शन तीन खंड
क्लॉकवाइज में तीन खंड आगे बढ़ेगा, यानी कि 135 डिग्री प्रत्येक डायरेक्शन आगे बढ़ते जाएगा। परिवर्तन का क्रम यही इसी प्रकार जारी है। तो यह आपका ईस्ट आ जाएगा, यहाँ यहाँ का साउथ हो गया, यहाँ सब 135 डिग्री क्लॉकवाइज में आगे बढ़ गया और प्रत्येक डायरेक्शन यहाँ पर शो हो गया, जो चेंजिंग डायरेक्शन है, रियल डायरेक्शन नहीं है। अब इस चेंजिंग डायरेक्शन पर आपको क्या करना है, तो साउथ को क्या कहा जाएगा, मतलब ये किस साउथ को, रियल में जो साउथ होता है, ये आपका साउथ, रियल में जो साउथ है यहाँ, इसको क्या कहा जाएगा। यह साउथ किस डायरेक्शन के बीच में आया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आया, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, यह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन में देखा जाता है बच्चे लोग, स्टूडेंट जो हैं, इस साउथ को क्या कहा जाएगा, तो साउथ किसको मान लेते हैं, इसको, इसको क्या कहा जाएगा, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आया तो नॉर्थ वेस्ट इसको मान लेते हैं, लेकिन यानी कि चेंजिंग साउथ को वो लोग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं समझना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बस जो भी आपको क्वेश्चन में डिमांड किया जा रहा है कि साउथ को क्या कहा जाएगा, या कहता कि ईस्ट को क्या कहा जाएगा, या कहता कि वेस्ट को क्या कहा जाता, ये जो भी क्वेश्चन में डिमांड होता है, यह रियल डायरेक्शन वाला जो आपका डायरेक्शन होता है उसी को डिमांड किया जाता है। साउथ को क्या कहा जाएगा, मतलब रियल में जो साउथ होता है इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। हमारा आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जैसे चौथा क्वेश्चन कहता है, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसको हटा देते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति साउथ में 8 मीटर चला, फिर वह लेफ्ट में 5 मीटर चला, फिर वह साउथ में 4 मीटर चला, तो अब वह स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एसपी स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, यानी कि उसको 8 मीटर चलाया गया, फिर से 5 मीटर चलाया गया, फिर से 4 मीटर चलाया गया, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, या इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते थे, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने और डिफिकल्ट कर दिया, और इस क्वेश्चन को अब देखिए कैसे। सबसे पहले कह रहा है कि एक व्यक्ति साउथ में 8 मीटर चला, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। एक व्यक्ति साउथ में 8 मीटर चलता है, तो आप पहले से ही बनाते हुए आ रहे हैं, टाइप 1 से लेकर 7 तक आप इस सारे चीज़ को सीख चुके हैं। अब इसको बस साउथ में एक लाइन खींच दीजिए 8 मीटर का, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, यहाँ पर आता है, और ये हो गया 8 मीटर, साउथ में 8 मीटर गया। फिर वह लेफ्ट में 5 मीटर चलता है। अब साउथ में जिसका फेस है उसका लेफ्ट किधर होगा, हम आपके तरफ खड़े हैं, हमारा फेस आपके तरफ मतलब कि साउथ की तरफ है, हमारा लेफ्ट इधर होगा। इस तरह से देखा जाए तो लेफ्ट यहाँ ऐसे जाएगा, और इस प्रकार यह आपका 5 मीटर का लाइन हो जाएगा, 5 मीटर चला। फिर उसके बाद कह रहा है कि साउथ में, अब लेफ्ट राइट की चर्चा नहीं है, कन्फ्यूज यहाँ नहीं होना है बंधु, सीधे लिख दिया है साउथ में 4 मीटर चला, साउथ में फिर नीचे 4 मीटर चल रहा है, यह 4 मीटर हो गया बंधु, यहाँ 4 मीटर चला। तो अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब सोचिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, एसपी यहाँ पर है, और लास्ट पॉइंट यहाँ पर वो आकर रुका हुआ है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है ये आपको एक फाइंड करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये भी आपको फाइंड करना है। तो सोचिए डायरेक्शन इसका तो बड़ी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस इसका निकालने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। सोचिए स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट की अगर लाइन को हम मिला देते हैं, पॉइंट को अगर किसी लाइन से हम मिला देते हैं, जैसे ये आपका लाइन हो गया, तो अगर ये लाइन की दूरी हमको पता चल जाता है, तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है एक क्लियर हम पता कर लेंगे। तो सोचिए इस यानी कि इस लाइन में, इस रेखा में हमको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है, बस इसकी दूरी हमको निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा,
अगर इस लाइन को हम और नीचे बढ़ा देते हैं, यहां तक 4 मीटर बढ़ा देते हैं नीचे, और यहां पर ऐसे इसको पूरा कर देते हैं, तो सोचिए थोड़ा कि यह 4 मीटर का लाइन आगे बढ़ा, यह 4 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो 8 मीटर और 4 मीटर मिलकर कितना हो जाएगा टोटल, यह हो जाएगा 12 मीटर। और यह 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है तो ये भी हो गया 5 मीटर। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको आगे बढ़ाया और इस लाइन की दूरी निकालने के लिए हमने जैसे ही इसको आगे बढ़ाया तो क्या हो गया, राइट एंगल बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण बन गया तो फिर काम बहुत आसान हो गया, यानी कि इसको क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, हाइपोटेनियस मान लेंगे, और इससे खड़ी लाइन को जो परपेंडिकुलर है इसको क्या मान लेंगे, पी, जिसको हम लोग लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, 12 मीटर। और इसको क्या मान लेंगे, बी, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, और ये कितना मीटर है, 5 मीटर है। सोचिए जब राइट ट्रायंगल में P पता हो और B पता हो, मतलब परपेंडिकुलर पता हो और बेस पता हो, तो हाइपोटेनियस H को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। H का फॉर्मूला आपको पता है, H का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा, P का स्क्वायर करेंगे तो 144 और B का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। यह दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 169, यानी कि रूट से बाहर आता है तो यह 13 मीटर हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया, 13 मीटर, यानी कि यह स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो 13 मीटर की दूरी पर, और किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से, यहां से हमको पता करना है दिशा, तो यह ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलते हैं तभी यह मिल पाएगा, तो साउथ ईस्ट में, और यह 13 मीटर की दूरी पर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर अब अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, जैसे हाँ, तो अभी हम लोग ने देखा मिसलेनियस के टॉपिक में हमने 4 क्वेश्चन अभी सॉल्व किया और 5वां क्वेश्चन की अब बारी है। और इस 5वां क्वेश्चन को आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ देते हैं एक बार, कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, 2 मित्र ए और बी 100 मीटर की दूरी से 2 अंतिम बिंदुओं से आमने सामने चलना प्रारंभ करते हैं, इस दौरान दोनों 30-30 मीटर की दूरी तय करते हैं। मतलब ए बी, ए 30 मीटर चला और बी भी क्या 30 मीटर चला, दोनों 30-30 मीटर की दूरी तय करते हैं। फिर ए लेफ्ट में 10 मीटर चला जबकि बी सीधे आगे की तरफ 10 मीटर चला, फिर ए राइट में 20 मीटर चला जबकि बी सीधे आगे की तरफ 20 मीटर चला, फिर ए राइट में 10 मीटर चलकर सीधी रेखा पर पहुंच गया जबकि बी सीधे आगे की तरफ 10 मीटर चला, तो अब उनकी बीच की दूरी क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ है, हैं? तो आपको इस तरह से आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप मिसलेनियस में पहुँच ही गए हैं तो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपने पिछले के वीडियो में आपने देखा कि 7 टाइप क्वेश्चन जो बताया गया है उसी कंसेप्ट पर कोई जो पहला और दूसरा जो टाइप दिया गया था उसी कंसेप्ट पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे आपको भयभीत नहीं होना है, बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके कंसेप्ट को बस जानिए, इसके मीनिंग को जानिए, इसके अर्थ को जानिए, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 मित्र ए और बी 100 मीटर की दूरी से, ए और बी दोनों मित्र 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और आमने सामने खड़े हैं। अब जब ये चलना प्रारंभ करते हैं तो आमने सामने ही चल रहे हैं, और इस दौरान वे आमने सामने कितने मीटर चलते हैं, ए भी 30 मीटर चला और बी भी 30 मीटर चला, दोनों मित्र की फाइटिंग बराबर है। अब देखिए, यानी कि मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक यह 100 मीटर है, मान लेते हैं कि यह 100 मीटर की दूरी दिया हुआ है। सोचिए, ए को इधर भी रख सकते हैं और बी को इधर भी रख सकते हैं, ए को इधर रखेंगे
तो बी को इधर रखना होगा, अगर ए को इधर रखेंगे तो बी को इधर रखना होगा। कभी फिगर ऊपर बनेगा या डायरेक्शन को यानी कि ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं तो फिगर नीचे बनेगा। हमको दूरी निकालना है तो इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि दूरी निकालने के लिए फिगर ऊपर बने या नीचे बने, दूरी तो उतना ही होगा। तो फिर आप स्वतंत्र हैं, ए को आप इधर भी रख सकते हैं या ए को आप इधर भी रख सकते हैं, ए को इधर ही रखते हैं। जैसे कह रहा है कि यहां पर ए है, ए और यहां पर बी है, यह ए है यहां बी है, दोनों 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और इस दौरान 30-30 मीटर की दूरी ये लोग तय करते हैं आमने सामने। तो सोचिए यह अगर आगे बढ़ते हुए यहां पर आता है और पीछे कर देते हैं, यहां तक आता है और ये दूरी जो हो गया 30 मीटर की दूरी हो गई, तो बी भी आगे बढ़ते हुए मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक आता है और इसकी दूरी भी मान लेते हैं 30 मीटर हो गई। ठीक, यानी कि हम लोगों ने यहां तक की क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लिया। करते हैं फिर ए लेफ्ट में 10 मीटर चला, अब ए जो यहां पर हम लोगों ने माना है यहां पर आया, तो अब यहां से यह लेफ्ट में 10 मीटर चलेगा, जबकि बी सीधे आगे की तरफ 10 मीटर चला, जबकि बी इसी सीधी लाइन पर 10 मीटर आगे चलेगा, लेकिन ए इसी सीधी लाइन पर नहीं चल रहा है। ए क्या हो रहा है कि ए का पोजीशन लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, अब ये लेफ्ट की तरफ चलेगा 10 मीटर चलेगा। फिर आगे क्या होता है, पहले हम लोग 10 मीटर चला लें ए को लेफ्ट में, तो ए को अगर हम लोगों ने इधर माना है ए को, तो ए का लेफ्ट यहां पर किधर जाएगा, ऊपर। अगर हम लोग यहां पर ए मानते, ए को इधर चलाते, तो ए का लेफ्ट किधर होता, नीचे, नीचे फिगर बनता। लेकिन ए को इधर माने हैं तो फिगर ऊपर बनेगा, तो अब नीचे बने या ऊपर बने दूरी तो सेम ही होगा। तो अब ए को हम 10 मीटर आगे चला देते हैं ऊपर, जैसे मान लेते हैं 10 मीटर चला, फिर बी 10 मीटर आगे चला, इसी जबकि बी चलता है सीधे लाइन पर 10 मीटर, ए भी 10 मीटर चला लेकिन लेफ्ट में, जबकि बी भी 10 मीटर चला तो सीधी लाइन पर चलता है। तो सोचिए अब यहां पर यह 30 मीटर और 30 मीटर निकल गया, 100 में से 30-30 यानी कि 60 मीटर निकल गए, तो बीच की दूरी कितनी बच जाती है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी इसका बच जाता है कितना, 40 मीटर बच जाता है। हम 40 मीटर को क्या करते हैं, कर देते हैं 10-10 के खंड में, 10-10 मीटर के खंड में इसको तोड़ देते हैं। यहां पर हो गया, ये हो गया, फिर से ये हो गया, 10-10 मीटर के खंड पर हो गया। अब सोचिए यहां से यहां 10 मीटर, यहां फिर से यहां तक 10 मीटर, फिर यहां से यहां 10 मीटर, फिर यहां से यहां 10 मीटर, यानी कि 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40 मीटर की दूरी बीच में है, जो हम लोगों ने पहले से भी देखा कि 40 मीटर की दूरी था। इसको चार भागों में बांट दिया, क्यों चार भागों में बांट दिया, क्योंकि ये 10 मीटर चल रहा है, ये भी 10 मीटर चल रहा है, तो अब 10 का मतलब आधा तक मत आ जाइए, इससे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमने चार भाग में बांट दिया। 10 मीटर चले या 20 मीटर चले, 20 मीटर चलेगा, अगर 20 मीटर चलता है तो दो खंड लेना है, अगर 10 मीटर चलता है तो एक ही खंड लेना है। तो जैसे सिंपल सी बात है कि ए लेफ्ट की ओर 10 मीटर चला, जबकि बी सीधे लाइन पर यहां से यहां कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे भी हम ही इसको चला रहे हैं, इसको ड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहता है, फिर ए राइट में 20 मीटर चला। अब सोचिए ए यहां चल रहा है, अब इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, और इधर कितना मीटर चलेगा, 20 मीटर चलेगा। तो 20 मीटर मतलब यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, यानी कि यहां से यहां लेकर 20 मीटर हो जाएगा। यानी कि इस तरह से यह जो है आपको दो खंड के बराबर आप ऊपर चलेगा, यहां तक आएगा और यह चल दिया कितना, 20 मीटर चला, राइट में चला। फिर कह रहा है जबकि बी सीधे आगे की तरफ 20 मीटर चला, बी यानी कि ए चला 20 मीटर, तो बी भी चलेगा 20 मीटर, लेकिन ए राइट में चला है 20 मीटर, जबकि बी क्या है, सीधे लाइन पर 20 मीटर चल रहा है। तो इस तरह से बी का पोजीशन यहां से चलकर अब यहां आ जाएगा, यानी कि दो खंड शामिल होगा और यहां पर आएगा, यहां पर तो आ चुका था, यहां से 10 मीटर और 10 मीटर 20 मीटर, यानी कि ये दूरी जो हो जाएगा इसका 20 मीटर हो जाएगा। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि ए राइट में 10 मीटर चलता है, अब ए राइट में 10 मीटर चलता है, अब ए यहां तक पहुंचा हुआ है,
अब राइट में 10 मीटर चलेगा, सोचिए बंदो, यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या हो जाएगा 10 मीटर। मतलब कह रहा है कि ए राइट में 10 मीटर चलकर सीधी रेखा पर पहुंच गया, यानी कि ए सीधी रेखा पर पहुंच जाता है 10 मीटर चलकर, यहां से यहां पर आता है और यहां पर आ गया ए, ए की पोजिशन यहां पर आ गई। अब सोचिए जब ए की पोजिशन यहां आ गई तो फिर कहता है कि जबकि बी सीधे आगे की तरफ भी 10 मीटर चलता है तो बी भी 10 मीटर आगे चलेगा, बी यहां पर आया हुआ था तो यहां से यहां पर आ गया, यहां पर बी की पोजिशन हो गई, यहां पर ए की पोजिशन हो गई। इस प्रकार क्वेश्चन को अब देख रहे हैं कि जबकि बी सीधे आगे की ओर 10 मीटर चला तो अब उनकी बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी देखा जाए तो ए की पोजिशन लास्ट पोजिशन यहां पर आ गई और बी की पोजिशन यहां पर आ गई और दोनों के बीच में दो दो खंड शामिल हो रहे हैं और प्रत्येक खंड को अपने 10-10 मीटर की दूरी पर बांटा है तो फिर ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर मिलकर टोटल कितना हो जाएगा 20 मीटर। ए और बी की बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यह 20 मीटर की दूरी हो जाएगी। हमारा आंसर फाइंड हो चुका और इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हर एक क्वेश्चन को चाहे वो कितना भी बड़ी लैंग्वेज में क्यों ना लिखा गया हो, बस उसके मेन कंसेप्ट को आप वहां पर देखते चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन का लाइन कह रहा है, जो डाटा दिया गया है, उस डाटा को आप फिगर के द्वारा आप यहाँ ड्रॉ करते जाइए, कुछ समझ में आते जाएगा, काम आसान बनते जाएगी और लास्ट में उसके आप फाइनली आंसर को आप डिफाइन कर पाएंगे और कर लेने के बाद आपका आंसर ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इस पांचवा क्वेश्चन को भी किया। एक क्वेश्चन और बच जाता है जो कि हम लोग अभी इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे छठा क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड, अभी आप लोगों ने देखा मिसलेनियस टॉपिक में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किया और सभी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जितने भी टाइप बताए गए हैं उस टाइप से सब अलग हटकर क्वेश्चन है और ये छठा क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, इसमें ये भी हटकर है, अलग टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी बेस पर इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो मित्र पी और क्यू एक ही बिंदु यानी कि पॉइंट से दो विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि दो बिंदु से आमने सामने चलना प्रारंभ करते थे, लेकिन इसमें क्या है, एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। एक चलेगा ईस्ट की तरफ, एक चलेगा वेस्ट की तरफ, एक चलेगा ऊपर की तरफ, एक चलेगा नीचे की तरफ, इस तरह से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। इस दौरान पी 8 मीटर चला जबकि क्यू 12 मीटर चला। विपरीत दिशाओं में एक चलता है 8 मीटर और दूसरा चलता है 12 मीटर। फिर उसके बाद ये लोग मूव करता है, कैसे मूव करता है, पी राइट में 6 मीटर चला जबकि क्यू लेफ्ट में 5 मीटर चला। तो अब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से कितने कितने दूरी पर हैं। तो बंधु इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना होगा कि P और Q जो चल रहे हैं एक ही बिंदु से विपरीत विपरीत दिशाओं में, दो विपरीत दिशाओं में, तो किधर P को माना जाए, किधर Q को माना जाए। सोचिए बंधु, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बिंदु है, अगर P को हम इधर मानते हैं तो Q को इधर मानना पड़ेगा, या Q को हम इधर P को मानते हैं तो Q को इधर मानना पड़ेगा, या इधर P को मानेंगे तो Q को इधर मानना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार अगर हम P को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो Q को नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा विपरीत दिशा, या Q को ऊपर की तरफ चलाएंगे तो P को नीचे की तरफ चलाना पड़ेगा, विपरीत दिशा होना चाहिए। या इस कोना में चलते हैं P को तो इस कोना में कॉर्नर में चलना पड़ेगा Q को। तो इस तरह से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कीजिए। जैसे माना कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, फिर उसके बाद कह रहा है कि P और Q विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। हम इधर P को मान लेते हैं और इधर Q को ले लेते हैं। P जो चलता है विपरीत दिशा में कितना 8 मीटर और Q चलता है कितना 12 मीटर। यहां पर P है, इधर Q चला हुआ है। अब फिर कहता है कि P राइट में 6 मीटर चला। अब P का राइट किधर होगा, ऊपर। सोचिए अगर हम लोगों ने P को इधर माना होता तो P का राइट किधर होता, नीचे होता।
तो इस तरह से पी का राइट नीचे हो जाता, फिगर नीचे बनता, लेकिन यहाँ पी को हम लोगों ने इधर माना है क्योंकि यहाँ पर कहीं दिया नहीं हुआ कि पी किस दिशा में चलता है, बस यही दिया हुआ कि पी विपरीत, यानी कि पी और क्यू विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं, तो विपरीत दिशाएं तो कई होंगे यहाँ पर, तो इस तरह से पी को इधर मानते हैं तो राइट उभर होगा, और राइट यानी कि राइट में कितना चलता है पी, पी राइट में 6 मीटर चला, पी राइट में 6 मीटर चलता है, ऊपर हम 6 मीटर चला देते हैं, इस तरह से यह 6 मीटर हो गया, यहाँ पर पी आ गया, फिर क्यू, जबकि क्यू लेफ्ट में 5 मीटर चलता है, और क्यू का लेफ्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्यू लेफ्ट में 5 मीटर चलता है, यहाँ पर क्यू हो गया, तो अब ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा कितनी दूरी पर हैं, तो सोचिए P आ गया लास्ट में, यहाँ तक लास्ट पॉइंट इसका यहाँ रहा, और Q का लास्ट पॉइंट यहाँ पर रहा, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट से P की दूरी क्या है और स्टार्टिंग पॉइंट से Q की दूरी क्या है, तो आप इस तरह से देख रहे हैं तो P और Q के लिए यह राइट ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राइट ट्रायंगल में ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये आपको पी पता है, यहाँ पर ये बी पता है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, B आपको पता है, यहाँ पर ये P पता है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर P और B बार बार लिखने से यहाँ पर कई जगह P और B यहाँ पर चर्चा हो जाएगा, तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम बस यहीं पर हम H लिखते हैं और यहाँ H लिखते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि इस राइट ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस निकलना है और इस राइट ट्रायंगल का भी हाइपोटेनियस निकलना है, तो सोचिए 8 और 6 का हाइपोटेनियस कितना होगा, 8 और 6 का हाइपोटेनियस जो हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, फिर उसके बाद 12 और 5 का हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, बहुत बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो यह 13 मीटर हो जाएगा, तो सोचिए क्या हो जाएगा, यानी कि पी का दूरी जो हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना 10 मीटर, जब भी दूरी निकालना होता है तो मिनिमम डिस्टेंस, और उसी प्रकार क्यू की दूरी अगर निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये हो जाएगा 13 मीटर की दूरी, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है तो इसको फाइंड नहीं किया जा सकता, क्यों फाइंड नहीं किया जा सकता, अगर पी को हम इधर माने हैं तो फिगर ऊपर बना है, अगर पी को हम इधर मानते तो इसका राइट नीचे होता, फिगर नीचे बनता, यहाँ पर तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में है, लेकिन पी यहाँ पर आता तो स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होता, साउथ ईस्ट में हो जाता, तो जब यहाँ पर ये दिया ही नहीं हुआ कि पी या क्यू किस दिशा में चलता है, बस विपरीत दिशा में चल रहा है, तो विपरीत दिशाएं यहाँ पर कई होंगे, इस तरह से इसके डायरेक्शन को फाइंड नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसके डिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है, तो बस यही आया हम लोग का, इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन जो मिसलेनियस का जो टॉपिक था इसमें हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किया, इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बेसिक चीज़ हम लोगों ने इससे हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर लिया है, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके किताब में यानी कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं अगर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत होता है तो आप उसके कमेंट कीजिए, आप पूछिए और हम बताने के लिए हम यहाँ पर फिर इसको वीडियो बनाएंगे, और एक चलते चलते जब इस क्वेश्चन को जब हम लोग एंड ही कर रहे हैं, टॉपिक को ही एंड कर रहे हैं डायरेक्शन को, तो चलते चलते एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे ये हम पूछते हैं कि जैसे UPPCS में एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि दो बैल आप तो जानते ही होंगे, बिहार में रहते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, दो बैल को अगर दो विपरीत दिशाओं में बांध दिया जाए और उनके बीच में चारा डाल दिया जाए तो क्या वे दोनों बैल खा पाएंगे, आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है, हम जवाब आपका वेट कर रहे हैं, तो चलिए आज इतना ही, थैंक यू, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, थैंक यू।